सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा, आप लोगों को तो जरूर पता है हमारे इस पोको M2 Pro में एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ चुका है। तो इस 11 अपडेट के बाद बहुत सारा फीचर्स मिला है, लेकिन दोस्तों इस फीचर्स की वजह से हमारे इस पोको M2 Pro में और भी बहुत सारा बग्स देखने को मिला है। मैंने तो आप सबको दिखा दिया था एक वीडियो में क्या कुछ बग्स मिला है, लेकिन इस बग्स को कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने आप सबको नहीं दिखाया था। तो मैं आज इस वीडियो में आप सबको यही दिखाने वाला हूँ कैसे इस बग्स को कैसे आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे। आप लोग ट्राई करना क्या होता है, मैं आप सबको इस वीडियो में सब कुछ दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग चाहोगे तो आप भी कर सकते हो। तो आप लोग अगर हमारे इस वीडियो में आ चुके हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के फ़ोन में भी बहुत सारा बग्स मिला है। मुझे पता है आप लोगों से मुझे बहुत लोग कमेंट किया है कि आपका गेमिंग का प्रॉब्लम है, वाईफाई का प्रॉब्लम है, बहुत लोग कमेंट किए। तो मैं आप लोगों के लिए ये ट्रिक्स लेके आ चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये ट्रिक्स यूज़ करने से पहले मैं आप सबको एक और चीज़ बोल देता हूँ। आप लोगों में से मुझे कुछ लोग कमेंट किए थे कि आपके पास अभी तक एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं गया है। तो आप लोग ये अपडेट करने के लिए आपको पहले अपने अबाउट फोन में जाना होगा, पहले सेटिंग्स में, उसके बाद अबाउट फोन में, उसके बाद आपके पास जो भी वर्जन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर आप राइट साइड ऊपर की तरफ जो ट्रिपल डॉट है उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड लेटेस्ट पैक। तो आप यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने एक डाउनलोड ऑप्शन देगा। तो इसको आप जब भी क्लिक करोगे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर आपको पहले ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये डाउनलोड है, इसलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर डाउनलोड लेटर कर दिया हूँ। तो आप लोग वहाँ पर डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जाते हैं इस बग्स को कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैं आप सबको यही दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको पहले जो वी वर्जन में जाना होगा, उसके बाद जाना होगा ट्रिपल डॉट में, वो सेम ट्रिपल डॉट है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा मोर ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखाई देगा, ऊपर की तरफ जो फीडबैक है तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक है इशू और एक सजेशन। तो आपको यहाँ पे इशू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है तो उसका एक दो या तीन स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पर आपको चूज करके वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको एक आइटम सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट आइटम, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आपके फ़ोन में अगर हीटिंग का प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे हीटिंग चूज़ करना होगा। मेरे यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा आपके फ़ोन में, जो भी प्रॉब्लम, गेमिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर वाईफाई का प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहेगा। बहुत सारा आइटम यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर मैं कोई आप सबको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई। आपका अगर मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम है आप यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क सेट कर सकते हो। और मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि आपका वाईफाई का प्रॉब्लम है, कनेक्ट हो रहा है और डिसकनेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर वाईफाई सेट करके देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपके फ़ोन में अगर गेमिंग प्रॉब्लम चल रहा है या फिर हीटिंग प्रॉब्लम चल रहा है आप यहाँ पर जो भी चाहे चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर गेम चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे गेम चूज़ कर लेते हैं। इसके नीचे यहाँ पे टाइम दिखा दे रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप जो इस टाइम में आप यहाँ से सेंड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, जो भी चाहिए एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक ईमेल आईडी, एक नंबर पूछ रहा है। तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे ईमेल आईडी सेट करो, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत सिक्योर होता है, नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी जो भी चाहे चूज़ कर लो। तो इसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं कहना है। यहाँ पर आप सबको नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा होगा सेंड, तो यहाँ पर आप जब भी सेंड करोगे आपका जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सिलेक्ट किए हो वो तुरंत वो जो मियाई वाले हैं, रेडमी वाले, पोको वाले, उसके पास चला जाएगा। तो आपका वो प्रॉब्लम उस तुरंत ही सॉल्व करने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगा। और दो तीन दिन के अंदर आपके फ़ोन में एक अपडेट आएगा, वो फ़ोन में भी हो सकता है या फिर जीमेल आईडी भी हो सकता है। तो वो अपडेट आने के बाद आप तुरंत ही वो अपडेट कर लेना, क्योंकि वो अपडेट करने के बाद ही आपका फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पास वाला जो आइकन है सजेशन, आपके फ़ोन में अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है वो इसका आइटम में नहीं है तो आप यहाँ पे सजेशन करके उसको भेज सकते हो, वो आपको अपडेट करके उसके बाद ही वो प्रॉब्लम ठीक कर देगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी आपका फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ तो आपका नज़दीक वाला जो केयर है आप वहाँ पर जाओ, आपका फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आप उसे बोलो कि आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेगा। लेकिन तब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो कि क्या हो रहा है, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। इस वीडियो को थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। उसको पास वाला जो बेल आइकन है उसको फुल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मेरे सारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने पहले आ जाएगा। और आप सभी इस ऊपर वाला वीडियो देख सकते हो क्या कुछ बग्स मिला है वो जानने के लिए, और नीचे वाला वीडियो भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और इस वीडियो को पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद।